हाथों में कहते हैं कि हर चीज की लकीर है, भाग्य की हर गाथा आपकी हस्तरेखा में निर्मित है। अगर ऐसा सत्य है तो आपके विवाह की भी रेखा आपके हाथ में ही होगी, आपके प्रेम प्रसंगों की, आपके वैवाहिक जीवन की, आपके पर्सनल लाइफ की भी रेखा आपके हाथों में ही होगी। आज का उपाय थोड़ा बेहतरीन है। लव लाइफ ठीक करनी हो, मैरिज लाइफ ठीक करनी हो, वैवाहिक जीवन सुखमय करना हो, पारिवारिक द्वंद्व समाप्त करना हो, परिवार में बहुत सारा सुख पाना हो, सब में आपस में वैमनस्य समाप्त करके प्रेम भरना हो, सबको आपस में एक करने की भावना हो, और इन सबसे ज़्यादा बड़ी बात तुम्हें तुम्हारा प्यार पाना हो, तो अपने हाथों को सिर्फ इस प्रकार से रगड़िए, आपका काम हो जाएगा। परम क्रोध मी जहि सब हाथा, आयुष पैन देहि रघुनाथा। जानिए पूरा विश्लेषण। गौरी शंकरा बात कर चुके। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके प्यार में, रिश्तों में आ रही कठिनाइयों का एक अद्भुत साधन है ठीक करने का। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान लव विद एस्ट्रोलॉजी में अवेलेबल है। यहां पर गीता, वेद, पुराण, उपनिषदों का सार साझा किया जाता है आपको। ऐसे उपाय सरल, सात्विक, प्रमाणित, जो आपको त्वरित बेनिफिट दिलाए। बेनिफिट पाने वालों की संख्या 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 1,000, 2,000, 10,000, 1,00,000 भी नहीं है, 21,00,000 के आसपास पहुंच चुकी है। यहां का सक्सेस रेट कोई 2-4, 10% नहीं है, यहां का सक्सेस रेट 95% प्लस है। इस निरंतरता, यह व्यवस्था अभी भी कंटिन्यू है। तुम्हारे जीवन में प्यार में तकलीफ है, तुम्हारा रिश्ता ठीक नहीं चल रहा, तुम्हारे संबंध बेहतर नहीं है, तुम्हारा लव लाइफ, तुम्हारा पर्सनल लाइफ, तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, अब उसमें कोई भी दिक्कत हो सकती है, कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, या तुम समझा नहीं पा रहे, किसी को तुम छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, या कोई आपको मिल नहीं रहा है, जो भी समस्या है उसका समाधान आपको निश्चित तौर पर मिल सकता है। कैसे? अपने हाथ की इस लकीर के ऊपर घर्षण करने से, रगड़ने से। आपको हाथों को रगड़ना है और आपकी हर मुराद पूरी हो जाएगी। कहते हैं कोई अच्छा पंडित आ जाए तो लोग हाथ दिखाने लगते हैं, जी मेरी रेखाएं देख लीजिए, बताइए मेरी हाथों में क्या लिखा है, बताना मेरे भाग्य में, मेरे प्रारब्ध में, मेरी किस्मत में क्या लिखा है। जो भी कुछ हमारी लाइफ में लिखा होगा वो सब हाथ की रेखाओं में निर्मित होता है, लिखित होता है, ऐसा मान्यता है। खासतौर से ज्योतिषी पटल पर तो बिल्कुल 100% ऐसा मान्यता है। अगर सब कुछ यहीं लिखा है तो क्या मेरे प्यार के बारे में यहां लिखा नहीं होगा? हाँ, क्या मेरे वैवाहिक जीवन के बारे में इसमें लिखा नहीं होगा? क्या मेरे रिश्तों के बारे में इसमें लिखा नहीं होगा? और अगर लिखा है तो वहां कुछ खराब लिखा है क्या, और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है? अगर किसी को आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाने पर काम चलता है, अगर क्रोध में लोग अपनी मुट्ठियां बांध लेते हैं, अगर लोग कहते हैं कि जब आप आए थे तो मुट्ठी बंद थी और जाते समय मुट्ठी खुली होगी, अगर हाथों की लकीरें और मुट्ठी और हाथ का इतना बड़ा प्रमाण है तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साइंस भी काम करती होगी।
हाथों को संस्कृत में कर बोलते हैं, कर माने हाथ। और पता है इसमें अगर हम रकारम लगा दें यानी आर और एम को हम जोड़ दें तो कर्म बन जाता है। हाथों के द्वारा किए गए कार्य को कर्म कहते हैं। और कर्मों की गति तो तुम्हें पता है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। तो कहते हैं कि फल के बारे में लिखा भी यही है और फल को पाने का साधन भी यही है। हाथ से दान देना, हाथों से शुभ काम करना, हाथों से हत्या करना, हाथों से गलत काम करना, हाथ बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं आपके अपने जीवन में। तो अगर आपके अपने हाथों में 9 ग्रहों के स्थान हैं, जैसे ये शुक्र पर्वत है, संक्षिप्त सारी चीजें बता रहा हूं, गंभीरता से समझना। आज मैं कह रहा हूं अपने हाथ के इस पोर्शन पे थोड़ा सा रगड़ दीजिए, थोड़ा सा घिस दीजिए, थोड़ा सा घर्षण कर दीजिए, उतने मात्र से आपके वैवाहिक जीवन में, प्यार में, रिश्ते में वो सब संभव हो जाएगा जो तुम चाहते हो। हाँ, क्यों? क्योंकि देखो तुम्हारे हाथों में 9 ग्रहों के अलग अलग स्थान है। अंगूठे के ठीक नीचे ये शुक्र का स्थान है, पहली उंगली के ठीक नीचे गुरु का स्थान है, उसके बगल वाली उंगली के ठीक नीचे शनि जी हैं, फिर उसके बगल वाली रिंग फिंगर के नीचे सूर्य जी हैं, फिर छोटी वाली उंगली के ठीक नीचे बुद्ध जी हैं, फिर ठीक नीचे उसके यहाँ पर जहाँ से हाथ शुरू होता है यहाँ चंद्रमा जी हैं, और ऐसे ही बीच में मंगल है, राहु है, केतु है, सब ग्रह इसी में विद्यमान है। अलग अलग रेखाएं एक दूसरे को ज्वाइंट करती हैं, एक दूसरे से संसर्ग बनाती हैं, उसके आधार पर ज्योतिषीय फल बखान करते हैं। तुम्हारे अपने वैवाहिक जीवन में, तुम्हारे प्रेम प्रसंगों में, तुम्हारे रिलेशनशिप लाइफ में कहाँ तकलीफ है वो तुम्हारा हाथ बता देता है, अगर उसको हम सही तरीके से यूटिलाइज कर ले। कहते हैं स्पर्श से बहुत सारी चीजें ठीक होती हैं, प्यार का स्पर्श जानवर भी समझता है। हित अनहित पशु पक्षी जाने, हित और अनहित, अच्छा और बुरा। आप कभी सर्प को पकड़ते हुए सपेरे को देखिए, सर्प कुछ नहीं कहता। कोई अनजान आदमी हाथ लगा दे तो सर्प फट से खड़ा हो जाता है अपना फन खोल के। तो उसे पता कैसे चलता है कि अननोन हाथ है? वो स्पर्श से पता चलता है। गाय के गले पे आप अच्छे से हाथ लगाइए तो वो सीधी खड़ी हो जाती है। सब बातों का सार हाथों में बहुत कुछ है। तुम्हारे हाथ के स्पर्श में प्रेम छिपा है, तुम्हारे हाथों के स्पर्श में तुम्हारी भावनाएं छिपी हैं, तुम्हारे हाथों के स्पर्श में, हाथों की लकीरों में तुम्हारा पूरा जीवन छिपा हुआ है। आज उन्हीं उसी के सार को, इस समुद्र रूपी व्यवस्था को, इस समुद्र को, सागर को गागर में भरने का प्रयत्न किया जा रहा है। पूरा विश्लेषण हम आपको बताएंगे, एक छोटा सा अनुभव ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। थैंक यू गुरु जी। मैं मिथिलेश पांडे आपके चरणों में जी चरण स्पर्श करती हूँ, बहुत बहुत नमन करता हूँ। आपके चरणों में मेरा सर हमेशा झुका रहेगा। गुरु जी, कल संडे के दिन 21 तारीख को एक लड़ाई में और जीत गई गुरु जी आपके आशीर्वाद से। हमें इंसान ने झुकाने की कोशिश की, लेकिन बस आपकी हर बात मेरे दिल में गूंजती रहती है मन में, और मैं फिर से एक जो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा से वो आपके जीवन की हर अभिलाषाओं की पूर्ण कर पूर्ति करे और तुम्हें खूब सारा प्यार दिलाए। मैं कह रहा हूं कि हाथों में जहां प्रेम लिखा है, हाँ, लिखन वालिए तू हो के दयाल, लिख दे मेरे, क्या कर दे? लिखन वालिए तू हो के दयाल, लिख दे मेरे दिल बिच गुरु दा ख्याल, लिख दे मेरे दिल बिच गुरु दा ख्याल, लिख दे। लिखने वाले कुछ ऐसा कर, ये तो चलो एक लाइन है, पर एक्चुअली भावना पता क्या है? लिखन वाले कुछ ऐसा कर कि मेरे दिल में
मेरे प्रियतम का नाम लिखते हैं। सही भावना तो ये लगती है मुझे। भावनात्मक स्तर पर भी इस पे वक्त किया जा सकता है, ज्योतिषी स्तर पर इसका बड़ा प्रभाव है। अब बहुत लंबा चौड़ा नहीं, सीधी सीधी बात करते हैं। हाथों में जो अंगूठे से ठीक नीचे का पोर्शन ये है, ये जो गद्दी जैसा आपके हाथ में बना है, मसनद जैसा, किराए का घर है, समझ कर रहना। साहिबे मसनद, जरा ध्यान से समझो, आज जो तुम्हारी रौब है ये कल नहीं रहेगी। किराए का घर है, जाति मकान थोड़ी है किसी का, है ना। किसी बड़े शायर ने कुछ लाइन कही है, उस पर उनको मैंने अलग अलग तरीके से आपको बताया। कुल मिला के कहने का सीधा मतलब था कि मसनद जैसा जो आपका ये बना है, ये हाथ का पोर्शन ये बताता है कि तुम कितने संपन्न हो सकते हो, तुम्हारे पास कितना धन, कितना वैभव, कितनी खुशियां, कितनी प्रसन्नता, कितना आनंद और कितना प्रेम होगा। अब जो प्रेम वाला वर्ड है, क्योंकि ये शुक्र ग्रह का स्थान है और शुक्र ही प्रेम देता है, प्यार में, रिलेशन में, रिश्ते में, शादी में, आपके जीवन में खुशियां लाने का काम शुक्र का है। अब बहुत सरल तरीका और करते ही लाभ होना शुरू होने का तरीका करना पता क्या है? करना बहुत सहज वर्क है। अपनी रिंग फिंगर को राइट वाली रिंग फिंगर से लेफ्ट वाले रिंग फिंगर के शुक्र को 3 बार ऐसे रगड़ दीजिए और फिर लेफ्ट वाले रिंग फिंगर से राइट वाले शुक्र के ग्रह को ऐसे ऊपर से नीचे की ओर रगड़ दीजिए। ऐसा 3-3 बार दिन में 3 बार कीजिए, पहले ही दिन से चमत्कार शुरू हो जाएगा। यहां कुछ लिखा है सत्य मानो, तुम्हें पढ़ना नहीं आता होगा, तुम्हें मालूम नहीं होगा, लेकिन यह कारगर बहुत है। इसको और बल पता कैसे मिलता है? जब तुम रगड़ रहे हो ना, तब तुम बोलना द्राम द्रीम द्रौम शाह शुक्राय नमः, द्राम द्रीम द्रौम शाह शुक्राय नमः, द्राम द्रीम द्रौम शाह शुक्राय नमः, ऐसा कहिए। फिर देखिए आनंद कई गुना बढ़ जाएगा, जीवन में संपन्नता बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा, और तुम जिससे प्रेम करते हो ना, वो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचेगा। पहले क्षण से फर्क पड़ता है, रुपया लगता नहीं, विधि की कोई जरूरत नहीं है, सामग्री की आवश्यकता नहीं है, किसी ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, पैसे खर्च करने की लोड नहीं है, सिर्फ इंजॉयमेंट है। करके देखिए, बहुत लोगों को लाभ हो रहा है। अब तुम्हारी बारी है, खुश रहो, प्रसन्न रहो, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। क्या नहीं करना? प्रीवियस लाइफ नहीं बताना, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना, और हाँ, रोना बिलखना, परेशान होना, दुखी होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, ऐसा करने से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। प्लीज नहीं करना। तुम अच्छे बच्चे हो, ठीक से रहने की कोशिश करो। छोड़कर जा रहा हूं कुछ अच्छे विचारों के साथ, छोड़कर जा रहा हूं कुछ ऐसे तथ्यों के साथ जिसमें अभी बहुत सार छिपा है, छोड़कर जा रहा हूं वो पुरानी फिर से यादों के साथ जिसमें तुम्हारे लिए बहुत कुछ सीखने को पड़ा है। तुम समझ गए होगे मैं बात कर रहा हूं LWA की। मैं छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें 24 घंटे लाइव चल रहे चैनल LWA के साथ। आपकी जिम्मेदारी है अपने संप्रदाय को बढ़ाना, तुम्हारी जिम्मेदारी है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, तुम्हारी जिम्मेदारी है इस व्यवस्था का सूत्रपात करना, तुम्हारी जिम्मेदारी है प्यार करने वाले लोगों की मदद करना। ओम नमः शिवाय।